हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी है फसल का टाइम, तो मैं अभी आया था छत पे और बकरी को पत्ती डालने के लिए। और अभी हम फसल की अभी सब नहा लिए हैं, धुलाई, मैं, पापा सब नहा लिए हैं। और अब हम जाएंगे फजर की नमाज़ पढ़ने, उसी के साथ ईद की नमाज़ भी हो जाएगी, क्योंकि जो दिन में है ना परमिशन नहीं है, दिन में परमिशन नहीं है, तो इसलिए अभी हो जाएगी, जो भी नमाज हो जाएगी। और फिर हम आएंगे आएंगे वापस नमाज पढ़ के। और अभी चलो अभी इसको पत्ते खिलाते हैं, भूखा हुआ है, रात को खिलाते हैं, मैंने ये खाएगा तो और खिला देंगे। अरे देखा खा रहा है, यहाँ पे रख देते हैं और ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 6 बजे की जमात है, ईद की नमाज की, अभी फजर की नमाज, तो चलते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है फजर का टाइम और बस नमाज हो चुकी है, तो बस मैं ऊपर आ गई थी, मैं आई थी इसको देखने के लिए। देखो बैठा हुआ है आराम से, और अभी जीसा ना आया था तो पत्ती वगैरह डाल गया है, और अभी ये लोग गए हैं नमाज़ पढ़ने। तो फजर की नमाज़ में ही जो है ना ईद की नमाज़ भी हो जाएगी, क्योंकि वैसे इजाज़त नहीं है जमात की। तो वैसे नमाज का जो टाइम है वो 7 बजे का है, वो 5 लोगों के साथ, तो इसलिए जो है ना सुबह सुबह में ये ना चुपके से जल्दी से कर ले रहे हैं, तो इसलिए रात में ही बता दिया था कि सुबह होगी फजर के टाइम पे। तो इसलिए सब लोग गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उधर से आएंगे तो फिर इसके लिए जो है ना और पत्ती लेकर आएंगे ताज़ी, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह में ही पत्ती ताज़ी मिलती है। तो कल ये वाली लेकर आ गई थी, तो कल ये सारा दिन चल गई है, तो अब जो है ना ये थोड़ी मुरझा गई है, तो उसने खाई भी नहीं है, थोड़ी बहुत पड़ी हुई है ना, ये खा नहीं रहा है, क्योंकि अभी ये बासी हो चुकी है। ताज़ी खाना तो इंसानों को भी अच्छा लगता है, जानवरों को भी अच्छा लगता है, इसलिए उसने नहीं खाई है। तो अभी ये लोग उधर से आएंगे ना तो लेकर आएंगे, और फिर हम इसको नहलाएंगे, क्योंकि जो पहले बकरा था ना, तो पहले तो हमने इस टाइम पर उसको नहला भी दिया था, आप लोगों ने देखा होगा पुरानी वीडियो में। लेकिन अब इस बार ये है कि नमाज ईद की इस टाइम पर हो रही है, तो इसलिए अभी आज ये लेट ही ना आएगा। और वैसे हम लोग इसको सोच रहे थे कि हम जीने में बांध दें उधर अंदर, लेकिन फिर उधर क्या इसको गर्मी लगती, तो इसलिए हमने रात में नहीं बांधा। हमने कहा यहाँ मौसम भी अच्छा हो रहा है, और मौसम भी जो है ना अभी 2-3 दिन से ना अच्छा हो गया है, वरना जो है ना इतनी गर्मी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। लेकिन अब माशाल्लाह मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा है, इस टाइम पे हवा भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, और जो फजर का टाइम रहता है वो रहता ही है बहुत सुकून भरा और अच्छा। और आज जो ईद का ब्लॉग है मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। और बस अभी मैं नीचे जाती हूँ और थोड़ा समेटा समाटी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे भी सो रहे हैं, तो आराम से जो भी मुझे काम करना हो, क्योंकि कपड़े भी धुले हुए रखे हैं तो उनको भी तय करके रखना है, तो बस यही कर लेती हूँ, जब तक ये लोग आ भी जाएंगे। तो बस आप लोगों का ईद का दिन कैसा रहा वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और ये वीडियो शायद आपको शाम तक मिल जाए, देखते हैं अगर एडिट हो पाती है तो शाम तक कर देंगे, वरना फिर कल तो आपको मिल ही जाएगी। चलते हैं नीचे और देख लेते हैं अपना काम वाम। और ये लगाई थी मेहंदी, तो ये मेहंदी पता है किसने लगाई है, गुलफ्सा ने, क्योंकि मैंने सबकी मेहंदी तो लगा दी थी, और गुलफ्सा के अक्सरा के सबकी लगा दी थी। तो फिर कल जो है ना मैं बैठी हुई थी, हम लोग बातें कर रहे थे, तो फिर गुलफ्सा ने बोला कि बाजी तुमने तो मेहंदी लगाई नहीं, और कल ईद है और सब लोगों की तो तुमने लगा दी है, चलो लाओ हम तुम्हारे मेहंदी लगाते। तो इस हाथ में जो है ना अक्सरा ने लगाई है उंगलियों पे, और इस हाथ पे लगाई है गुलफ्सा ने, और पैरों की तो आपको पता है आर्यन ने लगाई, तो मेरे बहन भाइयों ने इस बार मिल के मेहंदी लगाई है। मेरे कैसी भी लगाई है बहुत अच्छी लगाई है, बहन बहनों भाई बहनों का प्यार है, तो इसमें ये देखा जाता कि डिज़ाइन कैसा है ये कैसा है, उनको लगा कि अपनी बाजी के मेहंदी लगानी चाहिए, तो उन्होंने मेरी मेहंदी लगाई और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। मैंने उसको सही भी नहीं किया है, वैसे आर्यन की मेहंदी आप देख सकते हो, तो ये मजाक भी उड़ा रहे थे कि कैसी मेहंदी लगाई है इस बार पैरों में, तो मैंने कहा कैसी भी लगी है मेरे भाई ने लगाई है मेरे, तो अब जैसी भी हो वैसे ही रहेगी। तो
तो बस अभी चलते हैं नीचे, हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। तो बस यहाँ पे हमको नहलाना था बकरा, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि ये सारी सफाई कर देती हूँ, वरना फिर क्या होगा कि पानी डलेगा तो फिर ये कचरा नाली में बहेगा, तो इससे पहले इसकी सफाई कर देते हैं। तो बस यहाँ पे ये मैंने झाड़ू लगा दी और सारी उसकी लेड़े और पत्तियाँ उठा दी हैं, तो बस अब इसको नहला देते हैं। तो बस यहाँ पे ये नहलाना इसको स्टार्ट कर दिया है और सफाई कर दी तो सही रही, वरना बहुत ज़्यादा किचकिच हो जाती, गंदगी सी लगती। तो बस यहाँ पे जो है ना, अब जीसान इसको नहला रहा है और यहाँ पे ये नहा रहा है शैम्पू से। पापा कह रहे कि साबुन से नहला देते, तो हम शैम्पू रखा था यहीं पर, तो फिर मैंने कहा शैम्पू से ही नहला देते हैं। पापा कह रहे कि साबुन से जो है ना वो अच्छे से नहा लेता, तो मैंने कहा शैम्पू में और साबुन में अंतर क्या है। तो बस यहाँ जीसान जो है ना इसको नहला रहा है बढ़िया मल मल के, और जानवर जो है ना बड़े मुश्किल में हैंडल होते हैं नहाते टाइम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको पानी से डर लगता है शायद इसलिए। और पहले वाला जो बकरा था ना उसको भी जीसान ने ही नहलाया था, और इस वाले को तो बस नहा लिया है, तो हमने इस साइड बांध दिया क्योंकि उस साइड जो है ना बहुत ज़्यादा गीला हो गया, तो अभी यहीं पर बांध दिया है। और गुलाबसा आ गई है तैयार होकर, तो बस यहाँ पे वो उसको पत्ती खिलाने लगे, फिर पापा कहने लगे लाओ मैं भी खिलाता हूँ, तो बस पापा यहाँ पे पत्ती खिला रहे हैं उसको, और बस यहाँ पे ये नहा धोकर तैयार हैं। और नहाने के बाद बहुत ज़्यादा वाइट वाइट दिखने लगा, और बस ये लोग आ गए थे फिर नाश्ता लेने के लिए, और बकरे के लिए जो है फूल और जलेबी लेने आ गए थे, तो फिर उसके लिए लेने आए थे, तो फिर सभी के लिए जो है ना नाश्ता ले गए हैं ले गए थे। तो और यहाँ से बनवा रहे हैं पान बकरे के लिए, जीसान ने कहा कि उसको पान खिलाएंगे, तो बस यहाँ पे जो है ना एक उसके लिए एक पान बनवाया था जीसान ने। और बस यहाँ पे जो है ना अब मैं निकाल रही हूँ नाश्ता, तो जो वीडियो है मैं थोड़ी थोड़ी ही शूट कर पाई हूँ, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी सारा काम था, इस चक्कर में जो ना वीडियो उतनी ही शूट हो पाई है। तो जो भी शूट हुआ है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ है हमारे यहाँ और मैंने क्या क्या किया है। तो बस यहाँ पे ये मैं नाश्ता निकाल रही हूँ, तो ये लेकर आए हैं बेड़ई, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में हमारे यहाँ यही चलता है, बेड़ई आलू की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी रहती है, और समोसे तो आते ही हैं, और जलेबी है साथ में और दही है, तो दही जलेबी तो सबको पसंद होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको पसंद है कि नहीं। तो बस यहाँ पे ये हमारा पूरा नाश्ता निकल गया है, तो बस अभी हम लोग करते हैं सभी लोग नाश्ता। तो बस नीचे दे दिया है और यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ, और सब ने नाश्ता कर लिया है, हम लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये अभी हमारा नाश्ता चला, और गुलाब साह को जो है ना जलेबी बहुत पसंद आई, क्योंकि यहाँ की जो जलेबी, कुछ जगह की जलेबी रहती हैं जो बिल्कुल पतली पतली रहती हैं और कुरकुरी सी लगती हैं, वो जलेबी हम लोगों को पसंद नहीं है, हम लोगों को थोड़ी सी मोटी सी जलेबी और रस भरी रहती है ना वो अच्छी लगती है। तो बस सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, मैं बच्चों को तैयार करने लगी थी क्योंकि मैंने कर लिया था, मुझे सिर्फ एक समोसा खाना था वो मैंने खा लिया था, और फिर मैं बच्चों को तैयार करने लगी। तो देखिए आलिया ने पहना ये वाला सूट, ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, बहुत ज़्यादा पसंद आया आलिया को, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी मम्मी मुझे सूट पहनना है, सूट पहनना है, गरारा पहनना है, सरारा पहनना है, ऐसे बोलती रहती थी मुझे देखती थी। तो बस उसको तैयार कर दिया, वो चली गई दिखाने के लिए अपनी चाची को पप्पी को, और बस यहाँ गुलाबसा भी रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो गुलाबसा का भी थोड़ा सा दिखा देते कि गुलाबसा ने क्या पहना था। गुलाबसा ने ये कुर्ती पहनी है और जींस, और यहाँ देख लीजिए हमारे इन्नू भी तैयार हो चुकी हैं, तो इन्नू के लिए ये वाले ड्रेस मैं लेकर आई थी यहीं अपनी लोकल मार्केट से, और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है और बहुत हल्की फुल्की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये जो है ना ज़्यादा हैवी कपड़े पहनने में थोड़ी दिक्कत करती है, और थोड़ी देर के लिए पहनती है, और इस ड्रेस के साथ ये रहा कि नाया ने सारे दिन ये ड्रेस पहनी है, जब तक कि वो गीली नहीं कर ली उसने, लास्ट में नल से पानी से वो खेली है, फिर बाद में उसने गीली कर ली तभी उतरी, वैसे नहीं उतारी उसने। और यहाँ मैंने जूते पहना दिए जो कि हम अभी लेकर आए थे लाइट वाले जूते, तो बस यहाँ देख लीजिए अक्सरा भी तैयार हो चुकी है, तो अक्सरा ने पहनी ये वाली टी शर्ट और जींस, और ये देखिए हमारी दोनों परियां, और आलिया ने ना जूड़ा बंधवाया, मैं चोटी कर रही थी और खुले बाल की बोल रही थी, तो कहने लगी मम्मी नहीं मेरा जूड़ा बांधो, तो आलिया जो है ना इसमें बिल्कुल सरदारनी जैसी लग रही थी मुझे। हम जा रहे हैं किचन का काम करने, क्योंकि हम पे बस यही काम है, चाहे त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, लेडीज को तो सिर्फ किचन। तो अदरक लहसुन तो मैंने छील के रख लिया था, अब नीचे जा रहे हैं प्याज कट कर लेते हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम,
सलाम अस्सलाम वालेकुम सबको ईद मुबारक सबको ईद मुबारक ईद मुबारक अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सबको ईद मुबारक। तो बस यहाँ देख लीजिए हम लोग गए थे पापा जी से सलाम करने, नीचे गए थे तो बस पापा जी ने यहाँ दिया ईदी, तो दोनों बच्चे अपनी ईदी दिखा रहे हैं। और ये देख लीजिए उनके दादा ने दिया है, और बच्चों को तो ईद का यही रहता है कि उनको ईदी मिले, बड़े खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर उनके नाना दे रहे हैं ईदी, और ये देखिए सलाम हो रही है अपने नाना से। नाना बड़े खुश हो गए और कहने लगे कि सावाना का लड़का भी इसी तरीके से सलाम करता है। और वैसे ना इनाया ऐसे हाथ करके, सामने हाथ करके सलाम करती है, पता नहीं आज कैसे उसने सिर पे हाथ रख के सलाम करा, क्योंकि बच्चों के सबके अलग अलग तरीके रहते हैं। और ये देख लीजिए मुझे मेरी ईदी मिल गई है, तो बस यहाँ पे ये देखिए इनाया ने कहा मुझे दे दो, तो मैंने उसके पर्स में रख दिए ईदी। और ये देखिए जिस तरीके से उन्होंने पिछली मीठी ईद पे मतलब अपने पर्स लिए थे, ऐसे ही अब ले लिए और सबसे बोल रहे हैं हमें ईदी। तो बस यहाँ पे यही चल रहा है अभी, ईदी लेना देना चल रहा है अभी, और मैंने भी बच्चों को दे दी। और ये देखिए ईद मिली जा रही है अपने मामू से, और इनाया भी, इनाया कह रही ये क्या है। क्योंकि इनाया थोड़ी सी चिढ़ भी रही थी और खुश भी थी, लेकिन चिढ़ भी रही थी, तो उसका मूड अभी कुछ सही नहीं था ज़्यादा, क्योंकि सोकर उठी थी इसलिए। और बस यहाँ पे अभी बच्चे यही कर रहे हैं, और मैं नीचे काम कर रही थी क्योंकि है ना सबको आ रही थी नींद, तो मैं इसीलिए ना चाय बना कर लाई, क्योंकि हम लोग जो है ना आज 4 बजे के उठे थे, और तो है ना अभी इस टाइम पर क्योंकि हम लोग सोए थे 2 बजे और 4 बजे उठ गए थे, तो सिर्फ 2 घंटे की ही नींद ली, तो सबको जो है ना नींद आ रही थी काफ़ी, तो फिर मैंने कहा चाय बना देते, चाय से जो है ना नींद नहीं आएगी, तो बस चाय पी ली है सब ने। और फिर ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पे बुलबुल भी आ गई है, तो बस बच्चों से ईद मिल रही है, हम सब ईद मिलेंगे, क्योंकि हम जो है ना बकरा है उसको हार फूल वगैरह पहनाने और उसको जो है ना जलेबी खिलाने आए थे। तो बस यहाँ पे जो है ना बुलबुल सबसे ईद मिल रही है, और मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था इस टाइम पर। और ये देख लिया जीसान कहने लगा मैं बकरे से ईद मिलूँगा, तो वो उसको उठा रहा था, कुछ बकरे ऐसे होते हैं कि ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं और कंधों पे अपने पैर रख लेते हैं, लेकिन ये डर रहा था। तो बस ये हार फूल जो है ना नीचे रखे थे, तो दुलवाई नीचे से उठा कर लेकर आए, और यहाँ देख लीजिए ये दोनों जो है ना उसको हार, वो इनाया जो है ना बिल्कुल भी नहीं डर रही थी इससे बिल्कुल भी, बस ये थोड़ा सा है ना अपने सींगों से मार रहा था सबको, ले तो इसके पास जाने से पहले जीसान इसको पकड़ लेता अच्छे से, जब भी बच्चे जा रहे थे, वरना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और यहाँ देखिए ये जलेबी खा रहा है, तो एक जलेबी उसकी गिर गई है, और ये आलिया की जलेबी खा लेगा सही से, लेकिन इसने सिर्फ एक ही जलेबी खाई, क्योंकि मीठा मीठा इसका मुंह हो गया, पता नहीं इसको टेस्ट पसंद नहीं आया, तो फिर इसने कोई भी जलेबी नहीं खाई, लेकिन फूल बहुत खा रहा था, फूल पसंद आ रहे थे इसको, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ देख लीजिए ये लेकर आए थे छोटे छोटे, तो बोल रहे थे दुलाई कि ये इसके पैरों में पहनाने के हैं, तो मैंने कहा पैरों में कैसे पहनेगा, पैरों में से तो निकल जाएंगे, तो मैंने इसके सींगों पे लटका दिए इनको, और जो गले में माला लगी थी उसको जीसान जो है ना बांध रहा था। ये देखिए इनाया बोल रही कि मैं भी पहनाऊंगी, मैंने एक डाल दिया तो इनाया को भी दूसरा पहनाना था, तो उसने ऐसे हिला हिला के उसको गिरा लिया और खा लिया, तो पता नहीं उसको इनको फूलों का टेस्ट अलग ही लग रहा होगा। और यहाँ जीसान कोशिश कर रहे हैं कि ये पैर में पहन ले, लेकिन वो नहीं पहन रहा था पैर में, तो फिर बड़ी मुश्किल से जो है ना उसने पैर में पहना दिया है। और यहाँ पे इन दोनों भाइयों ने एक हार पहनाया है, और बस तो अभी यही चल रहा है, और हम लोग छत पे हैं, तो बस अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया आ जाएं तो ये कुर्बानी हो जाए, लेकिन आज के दिन जो रहता है ना बहुत ज़्यादा काम रहता है उनके यहाँ, क्योंकि हर कोई कुर्बानी करता है तो सबके यहाँ जाना रहता है, तो इसलिए जो है ना भैया काफ़ी लेट आए, और हम लोग जो है ना मतलब सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे कि वो आ जाए तो टाइम से कुर्बानी हो जाए और फातह हो जाए, लेकिन वो बहुत लेट आए, तो आज हमारी कुर्बानी जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और यहाँ पे पान खिलाने की कोशिश चली थी, लेकिन उसको नहीं खाना था पान, तो उसने पान नहीं खाया था। इन्होंने जो है ना पत्ते में रख के भी कोशिश की। तो बस अभी आ गए हैं नीचे, और सानिया हो गई हैं रेडी, तो सानिया थोड़ा सा अपना मेकअप कर रही हैं, क्योंकि उसको मेकअप करना जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाजी ने पहनी ये वाली ड्रेस,
माशाल्लाह बहुत अच्छी प्यारी लग रही है उन पे। ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता ही है, तो उन पे बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा ही लग रहा था। और बस यहाँ पे जो है ना भैया आ गए थे, तो बस यहाँ पे इसको नीचे लेकर आ गए, तो अब ये जाएगा सबसे नीचे क्योंकि कुर्बानी हमारे यहाँ सबसे नीचे पोर्शन में ही होती है। और कुर्बानी स्टार्ट हो गई थी तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से प्याज कट कर लेते, तो बस यहाँ प्याज कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे बखार दिए कलीजी जिस पे फाते होगी, और मटन के लिए मसाला पीस के रख दिया इसमें, तो अभी मटन कट रहा है, तो उसके बाद जब आ जाएगा तो फिर मटन भी बन रहे रख दूंगी। अभी इसमें एक दो सीटी ले लेती हूँ। तो बस अभी टाइम हो गया है 1:15 हो रहा है, और बस अभी खाना बन रहा है। तो हमने जो है ना माड़े मार्केट से मंगा लिए हैं, तो घर में सिर्फ हमें कलीजी तो मैंने बघार दी थी, तो कलीजी तो बन के रेडी हो गई है, लेकिन अभी मटन बनाना है, मटन कोरमा, तो बस वो बन रहा है। और हमारा कुकर है छोटा, बड़ा कुकर है लेकिन उसकी सीटी सही से नहीं आती और उसमें अंदाज़ा भी नहीं है मुझे, तो इसलिए यही कुकर मैं यूज़ करती हूँ, तो इसका ही अंदाज़ा है। लेकिन मटन बनाना था थोड़ा ज़्यादा, 4 किलो के तो, या फिर 4 kg के तो, तो मुझे 4 किलो मटन बनाना था, तो हमारा जो कुकर है ना इसमें मिनिमम मतलब 2 kg बन जाता है या फिर 1.5 kg अच्छे से बन जाता है, लेकिन मुझे ना इसमें बनाना 4 kg, तो फिर मैं कैसे बना लूँ पता। मैंने ना ये मैंने इस तरीके से मसाले के साथ एक सीटी ले ली है, और अब जो बाकी का बचा था ना उसको मैंने फिर से रख दिया है, तो उसमें सीटी आ रही है। और यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई कर ली है, और बस अब इसमें मसाला डाल दूँगी तो ये भुन जाएगा, जब तक उसमें सीटी आ जाएगी तो फिर वो भी बन जाएगा। और यहाँ देखिए हमारी आलिया ने पहन लिया अपने ईयरिंग, जो चिपकाने वाले गुलाबसा लेकर आई थी घर से वही वाले हैं, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो बस मेरा मन कर गया कि मैं दोनों लड़कियों के जो है ना अपने कान छिदवा दूंगी और उनको जो है ना बालियाँ पहनवा दूंगी, लेकिन ये मना करने लगे कि नहीं अभी थोड़ी और बड़ी हो जाने दो, क्योंकि इनाया का डर लगता है इसलिए। और बस यहाँ पर कलेजी बन गई है और अभी मटन बन रहा है, और नीचे की भी मैंने सफाई कर दी है, क्योंकि जब कुर्बानी होती है ना तो काफ़ी जो है ना गंदगी हो जाती है, काफ़ी गंदा हो जाता है, तो नीचे की सारी जो है ना सफाई करके आई हूँ, और साथ ही साथ मैंने अपना ये काम भी कर लिया, तो दोनों काम साथ ही साथ हो गए हैं। तो बस अभी इसकी भुनाई चल रही है। गंदी गाड़ी थी आसपास वाली ने, और ये देखिए कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है मेहंदी, ये साथ में भी है। आज ईद है, बकरा ईद। तो बस यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ खाना, तो ये मैं निकाल रही हूँ फातिहा के लिए, क्योंकि हाफिज़ जी आ गए थे, तो बस यहाँ पे मैं ये कलेजी और माड़े दे दिए हैं, तो कलेजी पे ही हमारे यहाँ फातिहा होती है, तो बस फातिहा हो गई थी, तो फिर मैंने सबके लिए खाना निकाल दिया था फटाफट से, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग खाने के लिए, क्योंकि कुर्बानी लेट हुई थी, तो फिर जो है ना काम लेट ही हो गए, क्योंकि खाना भी फिर लेट बना, सफाई वगैरह भी साथ में करनी थी, क्योंकि फिर वो गंदगी पड़ी रहे तो वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए सारा नीचे का साफ़ किया, और साथ ही साथ ये सब्जियाँ ही बनाई, तो लेट हो गए थोड़े से। और ये देखो मटन वगैरह बनने में तो टाइम लगता ही है, तो इसलिए बस फटाफट से सबके लिए खाना निकाल दिया है। और मैं सोच रही थी कि आज ईद की वीडियो मैं आज के ही दिन शेयर कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपको कल मिलेगी, वॉइस ओवर में आज कर रही हूँ। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।